कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और साबिक भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान माजी में भी मैचेस के दौरान लड़ाई झगड़े के कई वाकया देखने में आ चुके हैं और अब सुपरस्टार खिलाड़ियों के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। शाहिद आफरीदी ने चंद माह कबल शाया होने वाली आप बीती में गौतम गंभीर के बारे में लिखा था कि गौतम गंभीर के काफी नखरे हैं। वो खुद को डॉन ब्रेडमैन और जेम्स बॉन्ड का इम्तिजाज समझते हैं। उनका कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं है। किताब के शाये होने के चंद माह बाद गौतम गंभीर ने आफरीदी से मुतल्लिक एक ट्वीट करके उनको तनकीद का निशाना बनाया। गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा, जिसे अपनी उम्र याद नहीं उसे मेरे रिकॉर्ड कैसे याद होंगे। शाहिद आफरीदी, मैं आपको याद दिलाता हूं, 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 54 गेंदों पर 75 रन बनाए थे और इस मैच में आफरीदी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और हम वर्ल्ड कप भी जीत गए थे। भारतीय खिलाड़ी ने मजीद लिखा कि और हाँ, मैं झूठों के बारे में अपना ऐसा ही जारहाना रवैया रखता हूं। गौतम गंभीर के ट्वीट पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आफरीदी के चाहने वालों में गमो गुस्सा पाया गया। क्रिकेट के सहाफी डेनिस डिस ने गौतम गंभीर के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि गौतम बहुत ही बेवकूफ शख्स है। यासिर ने गौतम गंभीर के ट्वीट और शाहिद आफरीदी की गरीबों की मदद करते हुए एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये भारत की जानिब से नफरत और पाकिस्तान की जानिब से मोहब्बत फैलाने की एक बेहतरीन मिसाल है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी आफरीदी के मद्दाहों ने गौतम गंभीर पर शदीद तनकीद की। नदीम राम अली नामी भारतीय शख्स ने गौतम गंभीर से कहा कि मैच टीम वर्क से जीता जाता है, आप ऐसे जाहिर कर रही हैं जैसे सिर्फ आप नहीं परफॉर्मेंस दिखाई हो, बाकी 10 खिलाड़ियों ने तो कुछ किया ही नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि आपने अकेले मैच जितवाया तो ये सरासर गलत बात है।